हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी क्या ब्रेकिंग न्यूज है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वीडियो बीपीयू एसकेपी भर्ती 2018 नियुक्ति के लिए अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो इसके लिए बात कर लेते हैं, ट्यूटर अभियान भी चल रहा है, जितना हो सके आप सभी को सहयोग करना है। स्टूडेंट का कहना है पुरानी भर्तियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, कुछ भर्तियों के परिणाम भी जारी नहीं किए गए हैं, कुछ भर्तियों के परिणाम जारी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है, कोई भी न्यू वैकेंसी जारी नहीं की जा रही है। तो सभी स्टूडेंट एकजुट होकर लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी बीपीओ एसकेपी समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के लिए अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लखनऊ में इको गार्डन में। आप लोगों को वहां पहुंचना होगा, जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करेंगे उतनी ही आपकी बात को सुनी जाएगी और आपकी भर्ती जल्दी से जल्द पूरी की जाएगी। तो अब मेरा कहना है जो स्टूडेंट चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी नियुक्ति हो, न्यू वैकेंसी जारी की जाए और परिणाम भी जारी किए जाएँ, तो वो स्टूडेंट लखनऊ में रह रहे हो, लखनऊ के आसपास रह रहे हो, वो स्टूडेंट वहाँ ज़रूर पहुँचे। यदि आप जितना हो आप लखनऊ नहीं रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, यूपी में कहीं भी रह रहे हैं, आप फिर भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप लखनऊ ज़रूर पहुँचे। और आपको कल पहुँचना होगा, मैंने आपको ये भी बता दिया है कहाँ पहुँचना, इको गार्डन लखनऊ में आपको पहुँचना होगा, अपना सहयोग देना होगा। आप जितना सपोर्ट करें उतनी जल्दी आपकी सुनी जाएगी और आपकी भर्तियों की नियुक्ति भी जल्दी होगी और न्यू वैकेंसी भी निकाली जाएगी। आज की वीडियो इतना ही, मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।